जय श्री कृष्णा। चलते हैं मोदीज किचन की ओर। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हम सिर्फ दो चीज़ से बहुत ही शानदार बहुत ही टेस्टी मिठाई कैसे बनाएं। हमें इसके लिए सिर्फ मलई और चीनी ही चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी ये थोड़ी डार्क हो जाती है, कुछ कहते हैं हमारा घी खूब सारा छोड़ देता है। तो आज मैं आपको अच्छे से बताने जा रही हूँ कि इसमें मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ कि हमें इसे किस तरह बनाएं ताकि न हमारी डाक हो न हमारा ये घी छोड़े। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 कटोरी मलई। अब जिस नाप से मेजरमेंट से मलई लें उसका 1.25 कप चीनी हमें लेनी है। और ये इतनी सॉफ्ट बनती है कि इसमें मुंह में रखते ही ये घुल जाती है। तो इसके लिए हमने मलाई और चीनी ले ली है। अब एक पैन या कढ़ाई में पहले आप मलाई डालें और अब इसके अंदर चीनी भी ऐड कर दें। गैस को ऑन करें और इसे बराबर चलाते हुए बनाएं। हाँ, ध्यान रहे हमें इसको धीमी गैस पे स्लो गैस पे नहीं बनाना है, नहीं तो वो हार्ड हो जाती है और सख्त हो जाती है। तो इसे हमें मीडियम गैस पे ही बनाना है। मीडियम से हाई गैस पे ही हमें इसको रखना है और इसे लगातार चलाते हुए ही बनाना है। अगर हम इसे लगातार नहीं चलाएंगे तो मलाई हमारी नीचे से लग सकती है। काफ़ी ब्राउन हो चुकी है तो अब इसमें हमें इलायची पाउडर ऐड किया है और इसे बराबर चलाते रहे। धीरे धीरे देखेंगे आप इसमें एक गोल्डन अच्छा सा कलर आ गया है। हमें इसे डार्क कलर नहीं लेना है, ये एक गोल्डन कलर आ चुका है। तो इस समय हम गैस बंद कर दें और इसे फिर भी चलाते रहें क्योंकि इसमें और कलर आ जाएगा। अब इसे एक प्लेट को ग्रीस करें और इसे उसमें डाल दें। आप देख रहे हैं इसमें एक बहुत अच्छा कलर आ चुका है। अब इसमें ये डाल दें और इसे पलटे के साथ थोड़ी सी सेट कर दें। अब जब ये हल्की सी गर्म हो तभी इसमें कट लगा दें। तो इसमें अपने मनचाहे आकार में कट लगाएं, बड़ी छोटी जैसे आपको बनानी हो इसमें कट लगा दें। कट लगाने के बाद इसे ठंडा होने दें। जब ये पूरी तरह ठंडी हो जाए तब इसे काटें और सर्व करें। देखिए कितनी अच्छी बनी है और बहुत ही ये सॉफ्ट बनी है। तो कुछ टिप्स का ध्यान रखें, आप भी बनाएं, खाएं, खिलाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये कैसी लगी। तो मिलते हैं हम एक नई रेसिपी।